کچھ پانے کی ہو آس آس, کوئی ارماں ہو جو خاص خاص. آشا ہے ہر کوشش میں ہو بار بار, کرے دریاؤں کو آر پار. آشا ہے طوفانوں کو چھر کے, منزلوں کو چھین لے. शिक्षा का मकसद कौशल और विशेषज्ञता के साथ अच्छे इंसान बनाना है. शिक्षकों द्वारा प्रबुद्ध मनुष्य बनाए जा सकते हैं और अत्याधुनिक शिक्षा के साथ साथ अच्छा इंसान बनाने का जिम्मा है ग्रिजली विद्यालय का. कोडरमा के तिलैया की खूबसूरती के नजदीक है शिक्षा का वो मंदिर जो न केवल आपके बच्चों के भविष्य का निर्माण करता है बल्कि अनुशासित और मेहनती इंसान बनने की प्रेरणा देता है. हमारा स्कूल एक ISO 9001:2008 सर्टिफाइड इंस्टीट्यूशन है जिसकी स्थापना 1999 में की गई है और साथ ही हम CBSE से मान्यता प्राप्त 10+2 स्कूल हैं. यहाँ का अल्ट्रा मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर है. साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हम जिस तरह से पढ़ाई बच्चों को करवाते हैं वो भी खासियत है क्योंकि यहाँ पे हम ऑलराउंड डेवलपमेंट बच्चे की फोकस करते हैं. बच्चे को टोटल क्वालिटी पर्सन बनाने का प्रयास रहता है और इस तरह से उनकी सारी पढ़ाई, को करिकुलर एक्टिविटी वगैरह कराई जाती है जिससे कि बच्चे जब ग्रिजली विद्यालय से निकले तो वो एक सिर्फ अच्छा नागरिक नहीं बल्कि एक अच्छा विश्व नागरिक बने. ग्रिजली विद्यालय एक इंग्लिश मीडियम स्कूल है. इसके अलावा ये आवासीय विद्यालय भी है जहां आपके बच्चे ग्रिजली विद्यालय के आवासीय विद्यालय में रहकर भी अपने भविष्य को सवार सकते हैं. ग्रिजली विद्यालय के 7 से अधिक बिल्डिंग है और हर बिल्डिंग में 3 फ्लोर है. वो इसलिए जिससे आपके बच्चे अच्छे शिक्षा पाए, उनके बैठने की अच्छी व्यवस्था हो, क्लासरूम के अंदर अच्छा स्पेस हो और इसी को ध्यान में रखते हुए ग्रिजली विद्यालय के कैंपस को विशाल और हाईटेक बनाया गया है क्योंकि हम चाहते हैं कि क्लास के अंदर कम से कम बच्चे हों जिससे हर बच्चे पर पूरा ध्यान दिया जा सके. और इसी को ध्यान में रखते हुए क्लासरूम को बड़ा और कलरफुल बनाया गया है जिससे छोटे बच्चों का मन क्लासरूम में लगा रहे. हमारे विद्यालय की सबसे विशेष बात यह है जो हमारे टीचर और स्टूडेंट के इंटरलिंकिंग है. यहाँ पर हम हॉस्टल में रहते हैं और हमें जिस समय किसी भी चीज में डाउट होता है उस समय उसी समय क्लियर किया जाता है. इससे हमें हर एक सब्जेक्ट में अपने परफॉर्मेंस को इनहेंस करने का एक अपॉर्चुनिटी मिलता है. और यहाँ पर टीचर हमें कैरियर काउंसलिंग भी करते हैं. वो हमसे एकदम पेरेंट्स की तरह जुड़े रहते हैं क्योंकि यहाँ पे मेंटरिंग का प्रोग्रामिंग किया जाता है. ये सब चीज हमारे परफॉर्मेंस को बढ़ाता है, हमें ये फील करने के लिए मजबूर नहीं करता कि हम अपने घर से दूर रहते हैं, हमें हमारे घर की तरह एनवायरनमेंट दिया जाता है. यही नहीं, भविष्य को ध्यान में रखते हुए डिजिटल क्लासरूम में बच्चों को शिक्षित किया जाता है. बच्चों को डिजिटल क्लासरूम से जोड़कर शिक्षा व्यवस्था के स्मार्ट वे से बच्चों को पढ़ाया जाता है. प्रयास रहता है कि बच्चे को 21st सेंचुरी स्किल्स हम लोग इस स्कूल में प्रदान कर सके, जैसे कि क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन, टीम वर्क, इमेजिनेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स.
ये सारी चीजें हम बच्चों को देने का प्रयास करते हैं। ये विद्यालय सीबीएसई से मान्यता प्राप्त है और जो कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कहलाता है। अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए कई लैब से लैस ग्रिजली विद्यालय बच्चों को थ्योरी के अलावा प्रैक्टिकल से भी रूबरू कराता है, क्योंकि हमारा मानना है कि बच्चे जितना प्रैक्टिकल करेंगे उतनी ही आसानी से वो सब्जेक्ट्स को समझ पाएंगे। ग्रिजली विद्यालय के बच्चे भी प्रैक्टिकल को सबसे बेहतर मानते हैं और यही वजह है कि उन्हें प्रैक्टिकल करने से ज्यादा समझ में आता है। और यही है ग्रिजली विद्यालय का लक्ष्य कि हम ऐसे छात्र तैयार करें जो इतिहास बने नहीं, इतिहास बनाएं। पढ़ाई में यहाँ पर हमें स्मार्ट क्लास का यूज दिया जाता है जिससे कि हमें और अच्छे से समझ आए। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे लैब्स या सारे सब्जेक्ट्स का जिसपे हम लोग को प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाए। यहाँ पर लाइब्रेरी भी है जिससे हम लोग को हर चीज का एक अच्छा नॉलेज दिया जाए और फिर उसमें हम लोग और भी ज्यादा रिसर्च कर सके। और टीचर्स भी हमें यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से गाइड करते हैं जिससे हम लोग को और ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आता है और कोई भी चीज हम लोग बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। रोबोटिक्स लैब में बच्चों को भविष्य के लिए तैयार किया जा रहा है। इस तरह की रोबोटिक शिक्षा शायद ही किसी दूसरे स्कूल में मिले। बच्चों को हर क्षेत्र में सफल बनाने के लिए ग्रिजली विद्यालय हर पैटर्न से बच्चों को शिक्षित करने में जुटा है। स्कूल में बच्चों के दिन की शुरुआत ईश्वर के धन्यवाद से। सुबह के अलावा शाम को भी ईश्वर की प्रार्थना की जाती है। बच्चों के अंदर संस्कार बेहद जरूरी है, तभी वो अच्छे इंसान, अच्छे नागरिक बन सकते हैं। और इस पर ग्रिजली विद्यालय बखूबी ध्यान देता है और यहाँ अनुशासन पर सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है, क्योंकि अच्छा नागरिक देश के लिए अमूल्य है। और ग्रिजली विद्यालय सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर नहीं, अच्छा इंसान भी बनाता है। अनुशासन का अर्थ है स्वयं प्रशासन। ये हम सभी जानते हैं कि बदलते परिवेश में ये विद्यार्थियों के लिए और ज्यादा चैलेंजिंग है कि वो अपने आप पर कंट्रोल करना सीखें। हमारे स्कूल में इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि बच्चे इस प्रकार के वातावरण में शिक्षा ले कि उन्हें इस तरह से मोटिवेट किया जाए क्लास के अंदर में वो पढ़ाई के प्रति अपना ध्यान पूरी तरह से एकाग्रचित होकर शिक्षा ले। यहाँ पर जब बच्चे एक स्कूल में आते हैं हमारे यहाँ, तो हमारे यहाँ जो स्कूल का रूटीन होता है वो इस तरह से व्यवस्थित है कि उनके पास ऐसा कोई भी मौका नहीं होता कि शिक्षा के अलावा वो किसी भी अननेसेसरी चीजों पर अपना अटेंशन फोकस करें। ग्रिजली विद्यालय के बच्चे हर साल सफलता के नए कीर्तिमान गढ़ रहे हैं। ये आंकड़े ग्रिजली विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था की सफलता का बखान कर रहे हैं। जो गार्जियन अभी देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम, उनसे ये कहना चाहेंगे कि किसी भी विद्यालय की सफलता उसके छात्रों की सफलता से आंका जा सकता है। और मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि विगत 3 वर्षों से हमारे विद्यालय के छात्र डिस्ट्रिक्ट मेरिट लिस्ट सीबीएसई क्लास 12 की परीक्षा में लगातार 3 वर्षों से अपना नाम दर्ज करा रहे हैं। पिछले साल की बोर्ड परीक्षा में कक्षा 12वीं के छात्र प्रांजल सिंह 95.8% लाके डिस्ट्रिक्ट टॉपर बने हैं और हम बहुत ही गर्वान्वित महसूस करते हैं। ग्रिजली विद्यालय में बच्चों की अच्छी शिक्षा के साथ साथ उनकी फिजिकल फिटनेस पर भी पूरा ध्यान दिया जाता है, जिसके लिए एक्सपर्ट ट्रेनर उनका पूरा ख्याल रखते हैं। बच्चों की क्षमता के हिसाब से उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत किया जाता है। स्कूल में अलग अलग गेम के लिए अलग अलग कोचेस प्रोवाइड किए गए हैं, जैसे जूडो के लिए एक प्रोफेशनल कोच भी है और फुटबॉल के लिए, क्रिकेट के लिए, वॉलीबॉल के लिए, खो खो के लिए, कबड्डी के लिए, बास्केटबॉल के लिए भी एक अलग अलग कोचेस सभी गेमों के लिए हैं। और प्लस इसमें है कि जो बच्चे जिस गेम इंटरेस्टेड हैं वो उसमें हॉबी क्लास के थ्रू वो अपना नाम उसमें रजिस्टर करवाते हैं और साल भर उसी गेम को प्रैक्टिस करते हैं, जिससे क्या होता है कि क्लस्टर लेवल में भी हमारा जो स्पोर्ट्स का लेवल है वो अभी बढ़ते जा रहा है दिन पे दिन। ये इसका कारण है और अलग अलग प्रोफेशनल कोर्स होने के कारण।
एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज हर बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। बच्चों के अच्छी ग्रोथ के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है उनको असीम संभावनाएं मुहैया कराना। और ग्रिजली विद्यालय बच्चों के हर इंटरेस्ट का पूरा ध्यान रखता है और इसके लिए क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल, खो खो या कोई भी खेल हो, हर खेल से जुड़ी हर सुविधा बच्चों को मुहैया कराई जाती है। और सबसे जरूरी ये कि हर खेल से जुड़े कोचेस भी ग्रिजली विद्यालय में मौजूद हैं, जिससे बच्चों की प्रतिभा को और निखारा जा सके, जिससे उनके कॉन्फिडेंस को और बल मिले। बच्चे को मन लगाने के लिए, कभी ऐसा होता है कि बच्चों का मन नहीं लगता, तो उनके लिए हम लोग जिम रूम, म्यूजिक रूम, डांस रूम और कई ऐसे करिकुलर एक्टिविटीज बने हुए हैं जहां अपने बच्चे को ले जाते हैं। हमारी कुछ जूनियर सेक्शन में कुछ मेट हमारी हैं जो मदर केयर करती हैं, बच्चों को ले एकांत में ले जाकर के माँ की तरह व्यवहार करती हैं, उनको समझाती हैं, बुझाती हैं, काउंसलिंग करके बच्चों को लाती हैं वो। और कई ऐसे एक्टिविटीज है, खेल का मैदान है जहाँ बच्चों को लेकर क्रिकेट, वॉलीबॉल आदि बहुत सारे ऐसे एक्टिविटी हैं जिनमें ले जाकर बच्चों को शिक्षा दी जाती है और साथ में उनको ऐसा बताया जाता है कि इसके साथ अपने जीवन को कैसे जोड़ा जाए। तो ये सारी व्यवस्थाएं स्कूल के अंदर की गई हैं ताकि बच्चे कभी भी बोर महसूस न करें, कहीं बोरिंग महसूस न करें। मजबूत एवं लचीला शरीर, अच्छी त्वचा, शांतिपूर्ण मन, अच्छे स्वास्थ्य के लिए सबसे जरूरी है और ये मिलता है योग से। योग हमें शारीरिक और मानसिक रूप से लाभ देता है और इसीलिए ग्रिजली विद्यालय सबसे पहले बच्चों की अच्छी सेहत पर जोर देता है और अच्छी सेहत के लिए हर जरिए पर ध्यान देता है ग्रिजली विद्यालय। बच्चों के अचानक बीमार होने पर या किसी भी तरह के मेडिकल सुविधा के लिए स्कूल के अंदर ही केयर रूम भी बनाया गया है, जिससे बच्चों के बीमार होने पर तुरंत उन्हें मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। हॉस्टल के बच्चों के लिए ये मेडिकल सुविधा उपलब्ध है। जब उनका तबीयत खराब हो जाता है तो हम लोग सबसे पहले यहाँ उनको लाते हैं और जब ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है तो उनके गार्जियन से पहले हम लोग परमिशन लेते हैं, फिर उनको बाहर चेकअप के लिए ले जाते हैं और यदि साधारण बुखार है तो हम लोग यहीं पे उसको चेकअप करते हैं और प्रत्येक सप्ताह डॉक्टर उनके चेकअप के लिए आते हैं और उनका प्रत्येक बच्चा का यहाँ मेडिकल रिकॉर्ड बुक उपलब्ध है और जिस तिथि पर उनको जो भी दवा दी जाती है वो सारे रिकॉर्ड पूरे साल भर का यहाँ मिल सकता है। यहाँ 2400 घंटे हम लोग 2 NM यहाँ बच्चों के देखभाल के लिए रहते हैं। कभी भी उनका तबीयत खराब होता है हम लोग उनका चेकअप अपने तरीके से करते हैं।